नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया। थैंक यू। मैं हूं संगम और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल फर्स्ट कट प्रोडक्शन। कैसे हैं दोस्तों, मजे में? आई होप मजे में ही होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूं, मजे में ही हूं, इसलिए आपके साथ रूबरू हो रहा हूं डेली। तो आज का टॉपिक वही है, मास्क पहनो इंडिया। तो लेट्स स्टार्ट। भैया आप लोग मास्क पहन लीजिए भाई, आपने तो पहना भाई साहब ने। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है तो सुन लिया करो भाई। भूल गए तो ले लो मेरे से। भैया हर चीज़ का इलाज है भाई, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, इलाज है। हेलो, जरूरी है भाई आज के डेट में? अभी कोरोना गया थोड़ी है। पहन लो पहन लो, देखना चाहता हूँ कैसा लगते हो मास्क में। सही तो लग रहे हो, और क्या। चलिए थैंक यू। भैया आप लोग भी मास्क पहन लीजिए भैया, मास्क 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 पहन लो भैया। लोग इतने ढीठ होते हैं ना, क्या बताऊँ मैं। बोल रहा है तो सुन लिया करो भाई, क्या कह सकते हैं, सब एक जैसे लोग नहीं होते, इसलिए दोस्तों आप लोग भी अपना ध्यान रखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें प्लीज़। और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप लोग वीडियो को एंजॉय करें। साथ में इस तरह के वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं, ताकि सबको पता चले कि मास्क पहनना ज़रूरी है। इस उम्मीद के साथ किसी को मास्क पहनाने की जरूरत ना पड़े, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भैया रॉन्ग साइड वाले साला दिमाग खराब कर देता है। मास्क पहन लो मास्क, इन दोनों को तो जितना भी समझाओ समझना है नहीं, बेवकूफ लोग। कुछ नहीं सर, मास्क थोड़ा ढंग का। हाँ थैंक यू थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, आप लोगों के पास मास्क नहीं है क्या? मास्क मास्क, आपका मास्क नहीं है? मास्क मास्क, आपके पास मास्क नहीं है? पहन लो फिर, आप पब्लिक प्लेस में खड़े हैं। ले लीजिए भैया, आप पहन लीजिए, पहना हुआ है आपने। हाँ तो धुलता है तो पहन लीजिए, पब्लिक प्लेस में खड़े हैं ना, तो मैंने देखा कि मास्क नहीं पहने हुए। मास्क पहन लीजिए, थैंक यू।
मास्क पहन लीजिए भैया, भूल गया। दिन में इतना कमाते हो, मास्क पहनना भूल जाते हो, क्या तरीका है ये? पब्लिक बैठी है सर, आप भी प्लीज पहन लीजिए, तो जरूरी है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू भैया, आप भी मास्क पहन लीजिए। थैंक यू भैया जी, आप लोग मास्क पहन लीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सर जी, आज के डेट में बहुत जरूरी हो गया ये मास्क। भैया मास्क पहन लीजिए भैया प्लीज, बहुत जरूरी है, आपके घर में भी फैमिली होंगी ना, बहुत जरूरी है, आप ही तो पब्लिक को बैठाते हैं, आपको हो गया तो कोरोना क्या करोगे, आपकी फैमिली को भी हो जाएगा ना, कोई कोरोना नहीं है। थैंक यू भैया, मास्क पहन लीजिए भैया। भैया जी आप लोग मास्क पहन लीजिए प्लीज, सबसे गुजारिश है मास्क पहन लीजिए। आप लोग सबकी सेवा करते हैं, फिर आप लोग भी बीमार हो जाओगे तो कौन सेवा करेगा बताइए, है ना। थैंक यू, मास्क पहन लीजिए। हाँ थैंक यू, दोस्तों यही है हमारा काम है कहना, लोग मास्क मानना ना मना इनकी मत, और जितने भी पब्लिक उसको भूल जाते हैं, पब्लिक ई रिक्शा है ऑटो में बैठते हैं, कहने वाले बोले हैं कि तो मास्क पहने, आप लोग को मैं यह ड्राइवर जो सजेस्ट करूँगा कि मास्क तो कम से कम पहने, उनको बोले कि प्लीज पहले आप मास्क पहन लीजिए, तभी फॉलो करना बहुत जरूरी है ना, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है मास्क पहने सिचुएशन में, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मास्क, मतलब अगर मास्क आगे बैठा हुआ बंदा पीछे वाले को तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, मास्क पहनो जो हम लोगों को फॉलो करना है, ताकि हम लोग मोदी जी भी कहते हैं कि मास्क पहने इंडिया, तो हम लोग भी वही मुहिम, मैं उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना भी और दूसरों का भी ध्यान रखें कि वो ये मास्क पहने, ये ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में, खाना इतना इम्पोर्टेंट, एक दिन नहीं भी खाओगे तो चलेगा, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग प्लीज मास्क पहने और अपना ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें। भैया मास्क पहन लीजिए, मास्क पहन के बैठाइए पब्लिक को, ऐसे मत करिए, मास्क पहनिए मास्क। हेलो भैया, मास्क पहन लीजिए, आप लोग कहाँ है मास्क, किसी ने भी मास्क नहीं पहन रखा है, मास्क पहन लो भैया, मास्क कहाँ है मास्क आप लोगों का। हाँ चाचा जान, मास्क कहाँ है मास्क, पहनाओ सबको पहनाओ, आप भी पहन लो, क्या है ये सब खाली ऐसे बैठे हैं, पहन लीजिए भाई, कोरोना भी गया नहीं है। चाचा जी मास्क पहन लीजिए, मास्क भाई, मास्क पहन लो भाई, मास्क मास्क, सब पब्लिक को बैठा हुआ है, मास्क नहीं पहन रहे यार, ये गलत बात है ना, मास्क पहन लीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर नहीं, आपका मास्क नहीं है क्या, मास्क मास्क पहन लीजिए, मास्क बच्चे को भी पहनाइए, अभी कोरोना गया नहीं, पहनिए पहनिए मास्क पहनिए, इसलिए रुका था कि नहीं है तो दे देता हूँ, पहनिए मास्क भाई, बच्चे को पहनिए, आप ऐसे मत करिए, कोरोना अभी गया नहीं है, बच्चे पहन ले, ले मास्क पहन, आपका है कि नहीं है, नहीं है तो दे देता हूँ, ले जाता हूँ, मैं पहन ले। अभी कोरोना गया नहीं ना, बच्चे को लेके घूम रहे हैं, है ना। थैंक यू,
भैया मास्क पहन लो भैया, मास्क पहन लो, मास्क 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 आप भी पहन लीजिए भाई मास्क। हाँ नहीं है, कहीं नहीं लाते हैं भैया, लीजिए इधर आइए, इधर आ जाइए, पहनिए मास्क भैया, आप भी पहन लो मास्क। इतना कमाते हो मास्क नहीं पहनते हो, गलत बात नहीं है, पहन लीजिए, पहन लीजिए भैया, पहन लीजिए, पहन लीजिए मास्क, ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है भैया। आप मास्क कहाँ है आपका, पहन लीजिए भाई। हाँ पहन लीजिए भाई, अरे क्या करें भाई, लोग को ना चीज को जान बुझ कर बुलाते हैं। हाँ फैलाते हैं उसको, बिल्कुल नहीं कि अपने से वो फैले रहे। हाँ अब तो आपको इसको तीसरे चौथे में सबको देंगे, और इनके समझ में आ नहीं रही है, एक तो अनपढ़ हो आदमी को चले काम बने, सही बात, या टीवी किसके घर में मोबाइल हो, टीवी हुई, बिल्कुल सबको पता है मास्क पहनना जरूरी है। जितना करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च कर दी टीके में, बोलते हैं सरसों तेल महंगा हो जा रहा, तुम सही रहो ना सब सस्ता हो जाएगा, सही बात है, इसी वजह से तो महंगा आ रहा है ये हॉस्पिटैलिटी, जो हॉस्पिटल के खर्चे कहाँ से आ रहे हैं, सरकार कहाँ से करेगी, हमारी लापरवाही है ना, ये समझने वाले लोग समझते नहीं है। अब देखो ऑटो में बैठे हो तो कम से कम मास्क तो पहनने के लिए बोलो, इतना तो बोल सकते हैं, ये सोचता है कि हमें दो आती है कोरोना, अगर तुम दो से चलते दो सौ को हो जाएगा, यही तो देख सकता है, यही समझने वाली चीज़ है, मानते नहीं है सर, कोई यहाँ तक लगा देगा कोई यहाँ लगा देगा, लटका के घूम रहे हैं कि चलो शौक हो ये वाला, ये तो मजबूरी है ना, तभी तो लगा रहे हैं लोग, बेवकूफ़ बात यह कि लगा कर चल रहा है सर, क्या कीजिएगा, चलिए भारत है ना, समझाने से कोई समस्या नहीं है, जब इनके ऊपर आती है ना तो गवर्नमेंट खराब, अरे हम और तुम खराब हो, गवर्नमेंट कहाँ से खराब, गवर्नमेंट कैसे खराब होगी, वो तो बोल रही है। अभी देखिए पढ़े लिखे इंसान मास्क बिना पहने, देखो भैया आप लोग सुनना भी है ना इन्होंने, यहाँ पे ऐसे ही होता है, यही होता है, देख रहे हैं ना, तो यहाँ तो भैया आया जल्दी ऊपर पहन लीजिए, हाँ ये देखो गुच्छा गुच्छी हो गई ना, भैया मास्क थोड़ा ऊपर पहन लीजिए, मास्क मास्क, हाँ अंकल जी मास्क थोड़ा ऊपर पहन लीजिए, मास्क थोड़ा ऊपर पहन लीजिए, सॉरी एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा मास्क ऊपर पहन लीजिए प्रॉपर तरीके से, हाँ थैंक यू भैया, आपका मास्क कहाँ है, मास्क मास्क पहन लीजिए भाई, पब्लिक प्लेस में खड़े हैं आप भी ढंग से, हाँ थैंक यू पहन लीजिए भाई। तो दोस्तों यही है सर, मास्क प्रॉपर तरीके से पहन लीजिए, मास्क प्रॉपर तरीके से, नहीं आदमी यार पता नहीं पहचाने ना पहचाने, उसका भी झमेला है लगता है यहाँ पर, चलिए थैंक यू। सो सर वैसे भी आप अकेले खड़े हैं तो कोई इतना दिक्कत नहीं होता है, वैसे भी हाँ आप अकेले खड़े हैं, हाँ हाँ चलिए अच्छी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, भीड़ भाड़ यहाँ आ गए भैया के आगे आओगे गाड़ी लेके, हाँ अकेले खड़े हुए दिखेंगे, चलिए थैंक यू आइए जी। तो दोस्तों यही है, मैं तो अपना रोज़ जूझ ही रहा हूँ लोगों को, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है, आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कुछ लोग समझदार भी मिल जाते हैं, देखो ये सरकार की लापरवाही है, कुछ लोग कहते हैं लापरवाही है लेकिन नहीं, कुछ लोग को ये भी पता है कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, वो हम लोग आप हम आपकी वजह से ही बढ़ रही है, क्योंकि ये हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल में जितने खर्चे होते हैं कोरोना काल में वो सब कहाँ से आ रहा है, ये काल नहीं था तो हम लोग का भी आराम था ना, सबके लिए आराम था है ना, ये सरकार के लिए भी मुश्किल है, हम आप जैसे लोग इसको सुधार सकते हैं है ना, सरकार जो है आपके घर घर तो जाएगी नहीं, मैं ये पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि भैया सरकार घर घर पे नहीं जाती है,
हम आपको सुधारना होगा, देश को सुधारनी होगी, हम आप सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, सुधरेगा इन द सेंस कि फाइनेंशियली। तभी पहले कहते थे कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अभी ये है कि मास्क पहनो इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ना बहुत पैंडेमिक है। तो सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मास्क पहनिए और अपना ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें। तो इसी के साथ कल मैं आपके साथ ज़रूर मिलूँगा। उससे पहले आपको चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना कंजूसी मत करें। इसी के साथ कल ज़रूर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।